गुरुग्राम लोकसभा में बीजेपी के गौरवशाली भारत रैली का अनाज मंडी में आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ प्रदेश प्रभारी बिप्लव देव और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी शिरकत की। आपको बता दें, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के आला नेताओं ने जनता को 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही एक स्वर में तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार को लाने का आह्वान किया। आज हमको सबसे बड़ा उपहार मोदी जी ने क्या दिया, सबसे बड़ा उपहार दिया हमारे को सम्मान दिया। पूरे दुनिया के लोग आज भारत के लोगों को देखता है तो उनको देख के याद करता है ये मोदी के देश के लोग है। मेरे मित्रों, भारत मोदी का देश है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाते मैं गर्व करता हूँ। मैं उस पार्टी से हूँ जो पार्टी दुनिया के सबसे बड़े पार्टी है। मेरे मित्रों, जिस पार्टी के पास दुनिया के सबसे बड़ा सबसे ज्यादा सांसद है। मेरे मित्रों, आपको बता दें कि प्रचंड बारिश के बाद भी इस महारैली में लोगों का हुजूम देखते ही बन रहा था। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार में बाजरे का भाव किसानों को सबसे ज्यादा मिला, महिलाओं को चूल्हे के धुएं से राहत मिली, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ने भारत को एक नई दिशा दी है। अरे मोदी यार, बाजरे का भी भाव सुने थे चौधरी बंसीलाल के भाषण कि ये जो यमुना के साथ साथ लोग हैं ये खादर आए हमको बागड़ी कहते हैं और बोला रिश्ते मारे से नहीं करते और अब ऐसा काम किया वो धान उगाते हैं, बोले हम बाजरा उगाते हैं। अब बाजरे का खेत और धान वाला किला बराबर हो लिए है, रिश्ता हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं रोहतक में भी गौरवशाली भारत रैली का ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और सांसद अरविंद शर्मा, प्रदेश प्रभारी बिप्लव देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने जनता को संबोधित किया और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताया। 100 से ज्यादा योजनाएं प्रधानमंत्री जी के 9 साल में आई, सौ से ज्यादा। लेकिन जन भागीदारी की जो सबसे बड़ी योजना बनी उसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। और आपने भी देखा होगा कि आप खुद कभी कचरा करने लग जाओ या करने की कोशिश करो तो बच्चे रोकते हैं कि पापा क्या कर रहे हो, भारत को साफ सुथरा रखना है। ऐसी योजना देने वाले नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं, इसलिए हम कहते हैं 9 साल। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि 2024 से पहले कांग्रेस के राज में घोटाले और आतंकवाद चरम पर थे, लेकिन अब देश ऊंचाई छू रहा है। देश की विकास दर सबसे ऊपर है। जिस हरियाणा में नौकरियां बिकती थी उसे बीजेपी ने बंद करवा दिया। जातिवाद का जहर घोल रहे हैं विपक्षी दल। गौरतलब है कि लगातार देश भर में एक के बाद एक बीजेपी महारैली कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं से लेकर आला नेता तक मैदान में है और जनसंवाद के माध्यम से देश की आवाम तक 9 साल के विकास कार्यों को बता रही है। अब देखना होगा कि 2024 में देश की आवाम किसे सौंपती है सत्ता की चाबी। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अम्बाता और रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट।